मैनपुरी के सेंट मैरी स्कूल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी मैनपुरी अविनाश कृष्ण सिंह ने फीता काटकर किया। जन्माष्टमी के मौके पर हर साल सेंट मैरी स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसको देखते हुए इस साल भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया और स्कूल में दर्जनों झांकियां भी सजाई गई, जिसको देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हर साल स्कूलों में जन्माष्टमी की धूम दिखाई देती है और आकर्षक झांकियां सजाई जाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि सभी झांकियां स्कूल के बच्चे ही तैयार करते हैं। सेंट मैरीज के इस प्रांगण में परंपरागत रूप से कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाता है और इनके विद्यालय के जो विभिन्न हाउसेज हैं उनके द्वारा अलग अलग भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित झांकियाँ, महाभारत से संबंधित झांकियाँ और कृष्ण लीला से संबंधित विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियाँ विद्यालय के बच्चों के द्वारा बहुत ही रंगारंग, आकर्षक, भावपूर्ण और ज्ञानवर्धक तरीके से किया जाए। आज ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम, बहुत अच्छी प्रस्तुति बच्चों के द्वारा, बहुत सुंदर झांकियाँ विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा तैयार किया गया है इनके हाउसेज में। उसी कार्यक्रम में हम सभी लोग आए हैं। इसके लिए विद्यालय के प्रबंधक को, प्राचार्य को, यहाँ के सभी टीचर्स को, प्रतिभागी बच्चों को, सभी को मैं कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहूँगा और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करूँगा। सावन के महीने के समाप्ति के बाद भादव का महीना शुरू होता है और भादव के महीने में अष्टमी को श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था, उसी जन्म उत्सव को मनाने के लिए जगह जगह जन्माष्टमी त्यौहार मनाया जाता है। उसी क्रम में आज मैनपुरी जनपद के एक प्रतिष्ठित संस्थान में एक जन्माष्टमी कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जहां पर बच्चों द्वारा झांकियां और कई लीलाएं श्री कृष्ण भगवान ने की है, वो कई प्रकार से दिखाने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर काफी बच्चों की झांकियां भी दिखाई गई है और कई बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर तैयारी शुरू की गई है। रमेश कुमार, एबीसी।